Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. In today's video lecture, we are going to discuss about the internet and the applications of internet. Okay, application मतलब इंटरनेट के कुछ अनुप्रयोग, ये किस किस सेक्टर्स में यूज़ होता है इसके बारे में भी आज हम जानेंगे और हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में कि आखिर सोशल मीडिया आखिरकार होता क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक इंटरनेट से कि आखिर इंटरनेट आखिर होता क्या है। तो 1990s के टाइम पर कुछ कंप्यूटर्स को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एडवांस रिसर्च एजेंसी के थ्रू जो है कनेक्ट किया गया ताकि वो एक दूसरे से जो है कंप्यूटर डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सके। तो वहाँ से जो है इंटरनेट का उद्गम हुआ, एडवेंट हुआ इंटरनेट का। ओके, तो इंटरनेट बेसिकली आपका क्या है, इंटरनेट एक आपका सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस है। ठीक है, इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर इंटरनेट है क्या आपका। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स, जैसे वाइड एरिया नेटवर्क, बेसिकली इसका मेन एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क टाइप का जो है अपना इंटरनेट होता है, दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट किसका यूज़ करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए जो है इंटरनेट जो है कंप्यूटर डिवाइसेस यूज़ करता है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। ये डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स हैं जो कि एक इंटरनेट कंसिस्ट करता है। ओके, ऑफ लोकल टू ग्लोबल स्कोप दैट आर लिंक्ड बाय अ ब्रॉड अरे ऑफ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है इंटरनेट डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। द इंटरनेट कैरीज अ वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इंटरनेट क्या कैरी करता है, वास्ट रेंज ऑफ, बहुत ही ज़्यादा रेंज में इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। एंड सर्विसेज, कुछ बेसिक सर्विसेज भी इंटरनेट कैरी करता है, सच एज दी इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ दी वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, अब यहाँ पर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स किसको डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं आपकी वेबसाइट्स को। ओके, इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल सेंड करने के लिए जो है वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ में आता है। ओके, नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं कुछ इंटरनेट्स की एप्लीकेशंस, इंटरनेट के अनुप्रयोग के, आखिर इंटरनेट कैसे रियल लाइफ में काम आता है। ओके, तो सर्च इंजन फर्स्ट है। सर्च इंजन क्या होते हैं आपके, सर्च इंजन बेसिकली किसी भी इंटरनेट के थ्रू किसी भी डॉक्यूमेंट या हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए काम में आते हैं। तो बेसिकली इट कैन बी यूज टू सर्च एनीथिंग ऑन दी वेबसाइट। वेब मतलब इंटरनेट पर किसी भी टर्म को सर्च करने के लिए जो है सर्च इंजन्स काम में आते हैं। द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स आर Google एंड Yahoo। Google एंड Yahoo क्या है, सर्च इंजन है। ओके, तो यहाँ पर सर्च इंजन्स का कुछ डायग्राम है, जैसे DuckDuckGo हो गया अपना, Bing हो गया, Google हो गया, Yahoo हो गया। तो ये कुछ सर्च इंजन्स के लोगोज हैं और मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन जो है वो है Google एंड Yahoo। ओके, तो Google एंड Yahoo आपके सर्च इंजन हो गए। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट अपन पढ़ते हैं हॉबीज़। तो हॉबीज़ में जो है इंटरनेट बेसिकली मेन रोल निभाता है। मान लीजिए किसी पर्सन की एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कोई हॉबी है, चाहे वो गेम हो गया या कोई कंटेंट हो गया, तो उसके बेसिस पर इंटरनेट जो है वहाँ पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके, दोज हु हैव सर्टेन हॉबीज कैन ट्राई टू इम्प्रूव ऑन देम बाय रीडिंग अबाउट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर हॉबीज। तो इंटरनेट क्या करता है, बेसिकली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब आपको उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है आपकी हॉबीज़ के बारे में, ताकि आप उसमें अपग्रेड कर सकें। नेक्स्ट आता है रिसर्च। रिसर्च में भी आपका इंटरनेट बेसिकली काम में आता है। रिसर्च क्या कहते हैं, रिसर्च पेपर्स आर प्रेजेंट ऑनलाइन विच हेल्प्स द रिसर्चर विद लिटरेचर रिव्यू। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में इंटरनेट कैसे काम में आता है? बेसिकली एजुकेशन में इंटरनेट जो है आपका डिजिटल क्लासरूम्स एक उसका मेन एग्जाम्पल हो गया। इसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ राइट फ्रॉम किंडरगार्टन एंड enormous amount of educational material is available on the web। इंटरनेट पर बहुत सारा एजुकेशनल मटेरियल है। ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ बिकम द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ टूडेज एजुकेशन सिस्टम। ऑनलाइन एजुकेशन में बेसिकली जो है आपका इंटरनेट बहुत अहम भूमिका निभाता है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इंटरनेट बेसिकली आपका काम आता है। द इंटरनेट हेल्प्स पीपल टू कम्युनिकेट आइदर विद द यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। ओके, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का यूज करके लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, या फिर थ्रू ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के थ्रू जो है हम डेटा सेंड कर सकते हैं, और या कोई भी टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं। ओके, कंप्यूटर यूजर अराउंड द वर्ल्ड एक्सटेंसिवली यूज ईमेल सर्विसेज ऑन द इंटरनेट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। बेसिकली जो कंप्यूटर डिवाइसेस होती है आपकी, चाहे वो आपका टैबलेट हो या कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, ये सभी आपकी क्या है, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं। तो ये एक दूसरे से रिसोर्स शेयर करने के लिए या कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जॉब सर्च के बारे में। जॉब सर्च भी एक इसकी एप्लीकेशन है। तो आजकल के ट्रेंड में क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहे हैं। ओके, और जो एम्प्लॉयर है वो भी ऑनलाइन जॉब्स को पोस्टिंग करता है उनकी वेबसाइट पर। तो इंटरनेट वहाँ पर अहम भूमिका निभाता है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करवाने में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ डेज मैनी पीपल सर्च फॉर जॉब्स ऑनलाइन एज इट इज़ क्विकर टू अप्रोच एंड देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ जॉब वैकेंसीज प्रेजेंट। जैसे जैसे जो है इंटरनेट आपकी लाइफ में आ रहा है, वैसे वैसे सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। ओके, तो जॉब सर्च में भी वैकेंसीज प्रेजेंट होती है इंटरनेट पर, आपकी वेबसाइट्स पर, एम्प्लॉयर की वेबसाइट्स पर। पीपल कैन पब्लिश देयर रिज्यूम ऑनलाइन, लोग अपना रिज्यूम जो है ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं फॉर प्रस्पेक्टिव जॉब्स। सम ऑफ दी वेबसाइट्स प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज आर, अच्छा कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इंटरनेट पर बेसिकली बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती है। मोस्टली जो है जॉब सर्च के लिए नौकरी.com है, Monster.com है, summerjob.com, Recruitment India.com एटसेट्रा। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि जॉब रिलेटेड, जॉब सर्च रिलेटेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शॉपिंग के बारे में। शॉपिंग में इंटरनेट का क्या यूज़ होता है? तो बेसिकली शॉपिंग में, शॉपिंग हैज़ बिकम ईजियर विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट। जैसे जैसे इंटरनेट जो है आगे बढ़ा, अपग्रेड होता चला गया, वैसे वैसे शॉपिंग भी बिल्कुल ईजी हो चुकी है। इट हैज़ ऑल्सो फैसिलिटेटेड एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मार्केट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉप्स। तो इंटरनेट के थ्रू जो है वर्चुअल शॉप्स का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें आप वर्चुअली एप्लीकेशंस के थ्रू जो है आप शॉपिंग कर सकते हो। ओके, तो आपको उन एप्लीकेशंस के थ्रू क्या करना होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है, और जो वर्चुअल शॉप्स हैं वो वहाँ पर ऑर्डर को एक्सेप्ट करके, रिसीव करके जो है आपका पार्सल आपके घर पर सेंड कर देते हैं। ओके, यूजिंग इंटरनेट सर्विसेज कस्टमर्स कैन सबमिट स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्वेरीज and request specific sales quotes. Okay, for instance, the internet site Amazon.com allow user to search for information on a variety of products and place online orders for variety of them. जैसे इसका popular example है अपना Amazon.com। Amazon.com क्या कर रहा है, वो आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर डिवाइस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑन करके आप वहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल सर्च कर सकते हो। ओके, उसके बारे में रिव्यू आप दे सकते हो, या किसी दूसरे अदर यूज़र ने वहाँ पर अगर रिव्यू पोस्ट किया है तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू पढ़कर उस प्रोडक्ट को ले सकते हो। ओके, तो बेसिकली शॉपिंग में यही काम आता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इंटरनेट की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया के बारे में। अब आखिर सोशल मीडिया होता क्या है? तो सोशल मीडिया जो है, सोशल का मतलब आपको पता होगा कि लोगों की एक कम्युनिटी जिसमें वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, वो हो गया सोशल। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी टर्म है जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जैसे या फिर किसी कंप्यूटर डिवाइसेस का यूज़ करते हुए एक सोशल कम्युनिटी बना रहे हो, तो वो सोशल मीडिया के अंडर में आएगी। ओके, नाउ सोसाइटी इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर लिंक्ड टू ईच अदर ऑन सम कॉमन प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया क्या है? एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिस पर जो है बहुत से कम्युनिटी ऑफ पीपल जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। किस लिए लिंक्ड है? ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र कर सकें या लेन देन कर सकें। ओके, बीइंग सोशल विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल ओवर द इंटरनेट इज सोशल नेटवर्किंग। ओके, सोशल नेटवर्किंग का मतलब समझ में आया? बीइंग सोशल विद हंड्रेड पीपल ओवर द इंटरनेट इज सोशल नेटवर्किंग। इन कंप्यूटर्स सोशल नेटवर्किंग रिफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू ही सोशल नेटवर्किंग होती है आपकी। इन इट इज़ द नेटवर्क ऑफ डिफरेंट पीपल हु फॉर्म कम्युनिटीज अमोंग दैम सेल्फ टू शेयर सेंटिमेंट्स, ओके, रिलेशनशिप्स, टॉपिक्स, आइडियाज एटसेट्रा। तो जैसी लोगों की रुचि होती है उसके हिसाब से जो है लोग सोशल मीडिया पर अपने सेंटिमेंट्स पोस्ट करते हैं, या फिर कोई ब्लॉगर है तो वो अपने कंटेंट को शेयर करता है इंटरनेट पर। ओके, या फिर अपने रिलेशनशिप्स के बारे में शेयर करते हैं, या कोई किसी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर आइडियाज़ को शेयर करते हैं। तो ये सब क्या होता है? सोशल मीडिया कम्युनिटी का वर्क होता है। ओके, दीज पीपल मे बी लिंक्ड टू ईच अदर बिकॉज ऑफ सम टाइप ऑफ कॉमन प्लेटफॉर्म। ओके, कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू जो है लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स या एटसेट्रा, ऑफिस के कॉलीग्स जो हैं आपसे सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये एक इसका मेन रीज़न है। अमंग दैम दैट मे हैव बीन इन द पास्ट और इन प्रेजेंट मे बी इन द फ्यूचर। तो या फिर आपके पास्ट के फ्रेंड्स आपसे जुड़े हुए होते हैं, या फिर आपसे जो प्रेजेंट में आपसे कांटेक्ट में हैं वो आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े होते हैं, या फिर फ्यूचर में जो आपसे मिलने जा रहे हैं वो भी आपसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, आप कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो, या फिर एप्लीकेशन वेबसाइट्स जो हैं उनके लोगोज यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ फेसबुक, ओके, देन इंस्टाग्राम, देन ट्विटर, देन टिकटॉक, देन लिंक्डइन, व्हाट्सएप मैसेंजर, टेलीग्राम, ओके, नेक्स्ट यूट्यूब। ओके, तो ये कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक दूसरे से, या फिर कंप्यूटर के थ्रू ये बेसिकली यूज़ में आता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्विटर के बारे में, क्या आखिर ट्विटर होता क्या है। ओके, तो ट्विटर आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ कैरेक्टर में आपको न्यूज़ को शेयर करना होता है, या किसी भी सेंटिमेंट को, या किसी भी टॉपिक को, या किसी भी आइडिया को पर्टिकुलर रेंज ऑफ कैरेक्टर में शेयर करना होता है। ओके, ना ट्विटर का लोगो कुछ इस तरह का होता है, और ये आपकी एक वेब एप्लीकेशन है। ओके, ट्विटर के बारे में पढ़ते हैं। ट्विटर इज़ एन ऑनलाइन न्यूज़ एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म where people post and interact in form of short messages। शॉर्ट मैसेजेस की फॉर्म में जो है people एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, called tweets। अच्छा, जो शॉर्ट मैसेजेस ट्विटर पर सेंड होते हैं एक पोस्ट और एक कम्युनिटी के अंडर में, उनको क्या कहेंगे? ट्वीट्स। ट्वीट्स वर ओरिजिनली रेस्ट्रिक्टेड टू 140 कैरेक्टर्स। ओके, लेकिन बाद में इन कैरेक्टर्स को क्या कर दिया गया? इनकी लिमिट बढ़ा दी गई 22 to 80 एक्सेप्ट इन अ फ्यू लैंग्वेजेस। कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में ही 280 कैरेक्टर्स रिसीव करता है ट्विटर। ट्वीटिंग इज अ पोस्टिंग शॉर्ट मैसेजेस फॉर एनीवन हु फॉलोज यू ऑन ट्विटर विद द होप दैट यू आर मैसेजेस आर यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग टू सम ऑफ योर फॉलोअर्स। Some people use Twitter to discover and follow the tweets of celebrities, companies, etc. तो जो community of people है जो आपके ट्विटर अकाउंट को पर आपको फॉलो करती है उनके लिए जो है आप ट्वीट्स करते हो, ठीक है, ताकि उनको न्यूज़ आप दे सको या कोई भी आइडियाज़ उनके साथ शेयर कर सको या कोई भी मैसेज उनके साथ शेयर कर सको इन द फॉर्म ऑफ ट्वीट। ट्वीट क्या होता है आपका शॉर्ट मैसेज, और ट्विटर पर आप ट्वीटिंग करते हो थ्रू ट्वीट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं जो कि अपना है फेसबुक। नाउ फेसबुक क्या होता है आपका, फेसबुक इज़ अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म दैट मेक्स इट क्वाइट ईजी फॉर अस टू कनेक्ट ऑनलाइन विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स से कनेक्ट होने के लिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसके थ्रू अपन जो है अपने सेंटिमेंट्स, रिलेशनशिप या टॉपिक या आइडियाज़ जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक अलाउज टू शेयर फोटोज़। अच्छा, फेसबुक कौन कौन से कंटेंट्स को शेयर करने के लिए परमिशन आपको एक्सेप्ट करता है? फोटोज़ हो गए आपके, टेक्स्ट मैसेज आप शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, स्टेटस एंड स्टोरीज, पोस्ट एंड फीलिंग्स ऑनलाइन। तो ये सभी जो टर्म्स है, ये सभी जो कंटेंट्स है आप जो है सोशल मीडिया पर फेसबुक पर पर्टिकुलरली शेयर कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ या अपनी फ्रेंड्स कम्युनिटी के साथ। तो बेसिकली फेसबुक जो है आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली कम्युनिटी के लोगों को के अकाउंट्स को या उस कम्युनिटी को आपसे जोड़ने का काम करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूट्यूब। यूट्यूब क्या है आपका? यूट्यूब एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो एक पर्टिकुलर पर्सन दूसरी किसी कम्युनिटी के लिए या पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वीडियो पोस्ट करता है। वीडियो में क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, नाउ यूट्यूब का लोगो कुछ इस तरह का होता है। यूट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। यूट्यूब इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेड फॉर शेयरिंग वीडियोज़। ओके, वीडियो शेयर होती है। इट इनेबल्स द यूज़र टू वॉच, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स ऑन अपलोडेड वीडियोज़। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर जब भी कोई यूज़र वहाँ पर किसी वीडियो को वॉच करता है, व्यू देता है, तो यूट्यूब उसे क्या क्या अलाउ करता है? उस वीडियो को देखने के लिए अलाउ करता है। ओके, उस वीडियो को लाइक करने के लिए अलाउ करता है, उस वीडियो को शेयर करने के लिए अलाउ करता है, एंड कमेंट्स ऑन अपलोडेड वीडियो। जो भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है एक चैनल के अंडर में, अच्छा वीडियो जो है वो किसी पर्टिकुलर चैनल के अंडर में पोस्ट होती है यूट्यूब पर। ओके, जैसे फेसबुक पर आपका फेसबुक अकाउंट होता है, वैसे ही आपका यूट्यूब पर आपके अकाउंट की टर्म को हम वहाँ पर चैनल कहेंगे। ओके, यूट्यूब सर्विसेज कैन बी एक्सेस्ड ऑन पीसीज, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड मोबाइल फ़ोन्स। ओके, तो यूट्यूब सर्विसेज जो हैं आपकी इजीली इन कंप्यूटर डिवाइसेस पर एक्सेस की जा सकती है। वो आपके पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया या फिर टैबलेट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट्सएप मैसेंजर के बारे में। अब व्हाट्सएप मैसेंजर क्या होता है? व्हाट्सएप मैसेंजर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा को एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं किसी भी पर्सन को विद एनक्रिप्शन। ओके, व्हाट्सएप मैसेंजर इज़ अ फ्रीवेयर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ऑन बाय फेसबुक। अच्छा, फेसबुक ने इसे ऑन किया हुआ है। It allows smartphone user to share text, images, documents, location, contact, video and audio. तो ये different types के files को share करने के लिए permission देता है user को। In addition to basic messaging, WhatsApp provides group chat, voice call and video conferencing. Okay, तो basic messaging के अंदर जो WhatsApp है वो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू हम ग्रुप चैट कर सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं या फिर ऑडियो वीडियो वॉइस कॉल भी कर सकते हैं इन अ ग्रुप। ओके, नाउ व्हाट्सएप पर जो है आपका बेसिकली जो अकाउंट बनता है वो आपके मोबाइल नंबर से बनता है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने जाना इंटरनेट के बारे में और उसके कुछ अनुप्रयोग के बारे में, उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में एंड कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स के बारे में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।